हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ रणदिवे है। मेरी लाइफ पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोन प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ रणदिवे है। मैंने बीकॉम किया हुआ है तोलानी कॉलेज से। मेजर सब्जेक्ट्स थे फाइनेंस। देन आई डिड माई MBA फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ। इट वॉज अगेन मेजर्स इन फाइनेंस। देन आई हैड डन सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम NCFM, that is of capital market. Then later on I did one more certification course, that is of credit monitoring from IIBF. Then in the year 2011 I was recruited with eClerx Financial Services as an analyst in 2000, and then later in 2015 I gave my probationary exam and was recruited in Janata Sahakari Bank Pune as a credit officer. Correct. First of all, it's loan processing is nothing but identifying good potential borrower. Then analyzing its financial credentials and its capacity to repay. These three aspects are very important aspect while loan processing. सो फर्स्ट होता है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपको फाइनेंशियल रीड करने होते हैं बोरोअर के। सो हाउ मच ही इज़ ड्रॉइंग, व्हाट इज़ हिज डेबिट एंड क्रेडिट इन हिज पासबुक, इन हिज सेविंग अकाउंट पासबुक। और अगर कोई भी बिजनेसमैन लोन लेने आता है, सो यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ हिज नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट्स एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। टीम मैनेजमेंट, आपको बहुत सारे बंदे रहते हैं आपके पास, उनको आपको हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मैनेज योर टीम। एवरी वन शुड बी गिवन अ डिफरेंट रोल, और उनके जो रोल्स है यू नीड टू नो देम वेरी थरली, और उसका फॉलोअप भी करना पड़ता है आपको। सो यू नीड टू बी वेरी गुड इन टीम मैनेजमेंट। आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज आपने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पोजीशन को हासिल करते हो। सो यू गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड यू कैन से इट्स एन वाइट कॉलर जॉब। इट्स अ वेरी बहुत चैलेंज होता है। इसमें आपको JIB और CIB करना पड़ता है, एंड JIB एंड CIB के लिए यू नीड टू हैव एन डेडिकेटेड स्टडी, और पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। एंड ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे ब्रिलियंट लोग आपके साथ होते हैं, तो उसमें और प्रमोशंस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू कॉम्पीट विद द बेस्ट। सो ये बहुत सारी बड़ा चैलेंज है इसमें। प्रोसेसिंग ऑफिसर, सो फर्स्ट हम जैसे सुबह लॉग इन करते हैं, तो वी नीड हम लोग जो चेक्स रहते हैं, तो जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ब्रेक होते हैं या फिर टेक्निकल पैरामीटर्स पे, तो उस पर हम उसको हम क्लियर करवाते हैं अकाउंट होल्डर के साथ बात करके, या फिर उनके साथ उनके ईमेल्स आते हैं, उस हिसाब से हम चेक्स क्लियर करवाते हैं। फिर बाद में उसके बाद हम हमारे पास बेसिकली मैं तो CC हैंडल करता हूँ, तो CC की जो लोन स्क्रूटिनी होती है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, फॉलोअप होता है कस्टमर के साथ, तो वो करते हैं हम लोग। थर्ड अली जो भी असाइन टास्क है मेरे टीम मेंबर्स के, तो उनको फॉलोअप करना। फिर बाद में जो भी हमारे प्रोसेसिंग हेड ऑफिस के कंप्लायंस है उसको करना, और मंथली ऑडिट होता है तो उसको भी हम लोग कंप्लायंस करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, जैसे भी उनका भी फॉलोअप करना पड़ता है। सो डिफरेंट टाइप के ऑडिट होते हैं, तो हर टाइप के ऑडिट जैसे कंकरेंट है, क्रेडिट है, बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, तो उसमें से मैं क्रेडिट संभालता हूँ, तो क्रेडिट के हर टाइप के ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट,
क्रेडिट ऑडिट, उसको कंप्लायंस करके, और मेरा दिन इसी में चले जाता है। होप मैंने आपको एक बैलेंस व्यू दे पाया हूँ लोन क्रेडिट ऑफिसर के बारे में। क्या करता हूँ कि ये आपको आपके करियर के लिए, करियर सिलेक्शन के लिए हेल्प कर पाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।